मेरठ से भी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो कोरोना मरीजों की जो संख्या है अब वो 37 पहुंच गई है मेरठ में। तो लगातार आंकड़े एकाएक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ में भी कई ऐसे हॉटस्पॉट इलाके हैं जिनको सील किया गया है, जिनको लेकर सख्त कदम उठाया गया है कि वहां पर कड़ी पाबंदी रहेगी, हर कोई मास्क का इस्तेमाल करेगा और अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी जरूरी सामान है सरकार उनके घर तक होम डिलीवरी कराएगी। लेकिन फिलहाल अपडेट ये मेरठ से कि 3 और नए मामले कोरोना पॉजिटिव के मेरठ से सामने आए हैं, जिसके बाद यहां पर संख्या जो है कोरोना मरीजों की वो 37 पर पहुंच गई है। तो लगातार कोशिश यही है सरकार की कि मामले कम हो, लेकिन लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। मनोवर चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोवर, 3 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के मेरठ, पहले से ही कुछ इलाके मेरठ के भी ऐसे जो हॉटस्पॉट में हैं। देखिए, मेरठ खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बन चुका है जहां प्रतिदिन कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। जो चेन टूट चुकी थी जुड़ गई है, क्योंकि कल भी पेशेंट मिले और आज भी 3 पेशेंट मिले। मेरठ में ही अकेले में 33 संख्या पहुंच चुकी है। मेरठ के 11 स्थानों को हॉटस्पॉट माना गया है। 4 थाना क्षेत्र देहात के हैं, 4 थाना क्षेत्र मेरठ के सिक्स के हैं। यानी कि इन थाना क्षेत्रों में पूरी तरीके से अब प्रतिबंध रहेगा। एक भी व्यक्ति अगर बाहर दिखा तो एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग इस चयन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो 8 लोग मिले हैं वो अलग अलग इलाकों के हैं। भवनपुर इलाका पता है, देहात में एक थाना। यानी कि मनोवर, जो इलाके यहाँ पर सील किए गए हैं, जो एरिया हॉटस्पॉट में है उसके दायरे से अलग है एरिया जहाँ से 3 मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, जो कल दो किसे आए थे जमाती थे करोड़पुर इलाके के, पड़ता है उसके अलावा भी एक नया जो मामला है भवनपुर थाना क्षेत्र में आया है। अब भवनपुर थाना क्षेत्र भी पड़ जाएगा, यानी कि जो 11 इलाके थे, 11 पॉइंट थे हॉटस्पॉट के, उसमें 12वें का इजाफा हो गया है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की और जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल से पूरी तरीके से सख्ती से इस तरीके को निपटा जाएगा, एक भी व्यक्ति को नहीं निकलने दिया जाएगा। और साथ ही साथ अब जो संख्या 37 पहुंची है, कोई बता दूं इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और अभी भी सैकड़ों ऐसे सैंपल्स हैं जो लगने हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आनी है। अभी सैकड़ों लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, 14 दिन के क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जो जमाती है उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अब नए मामले सामने आए हैं वो सभी के सभी जमाती बताए जा रहे हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दो बड़ी चुनौती है, जहाँ सबसे पहले जमाती को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा जो मेडिकल पे ले जाकर की जांच कराकर ये पुष्टि करनी है कि ये सही है या पॉजिटिव है। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल मनोवर हमारे साथ जुड़ने के लिए।